किस तरह से फ्री एआई टूल्स को यूज़ करके आप ऐसा लिटरेचर रिव्यू लिख सकते हैं जो कि ना सिर्फ एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट लगे बल्कि एआई डिटेक्शन फ्री भी हो और उसको देखकर कोई भी आपकी एकेडमिक राइटिंग स्किल को जज ना कर सके। अगर आप वाकई ही ऐसे लिटरेचर रिव्यू का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझना चाहते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम डेवलपिंग एन आउटलाइन टू गैदर द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू गैदर द डाटा फ्रॉम द पेपर्स एंड हाउ टू पुट द साइटेशंस एंड हाउ डू हैव टू मेक इट एआई फ्री, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी एड अ ह्यूज वैल्यू इन योर लाइफ। स्टे ट्यून एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक और शेयर जरूर किया करें क्योंकि ये आप जैसे और रिसर्चर्स की इन डिमांड इन नीड वीडियोस हैं। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू यूज अ वेरी पावरफुल एआई टूल जो कि ChatGPT प्रो या प्लस की तरह काम करता है एंड आई हैव टॉक अबाउट इट इन माई फ्यू प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो, जिसका नाम Perplexity है। Perplexity आपको एकेडेमिक राइटिंग में ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से हेल्प करता है एज ChatGPT। तो वन एवर यू हैव टू यूज ChatGPT फॉर गैदर एनी इन्फॉर्मेशन, फॉर गैदर अ सिंगल डेफिनेशन इवन, तो गो फॉर Perplexity एज कम्पेयर टू ChatGPT क्योंकि ये आपको आपकी रिसर्च के साथ साइटेशन भी देता है कि जो डाटा आप यूज कर रहे हैं उसने वो डाटा कहाँ से गैदर किया है, तो आप उसके सोर्स को फाइंड कर सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन के और आप उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू डेवलप अ लिटरेचर रिव्यू, दैट लिटरेचर रिव्यू कैन इधर बी अ पार्ट ऑफ योर थीसिस, आपके रिसर्च पेपर का, आपकी रिसर्च रिपोर्ट का, किसी भी डॉक्यूमेंट का ये पार्ट हो सकता है, बट यू हैव टू कीप शॉर्ट द इन्फॉर्मेशन और इंक्रीज द लेंथ ऑफ द इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, लेकिन आपको ये सारी चीजें इसके अंदर करनी होती हैं एंड दिस इज द मेथोडोलॉजी विच यू हैव टू अडॉप्ट। सो वी विल राइट अ प्रॉम्प्ट दैट give me an outline for literature review about the application of imidazole based tannic liquid and then let's see the result. Here is the outline. Aapko introduction likhna hai, brief explanation of what imidazole based tannic liquids are, importance of studying their application, synthesis of imidazole based tannic liquids, unke method, application of imidazole based tannic liquid and their conclusion. So we are going to prepare our Google Doc document jisme hum apni sari information ko gather karte jayenge. And we are going to copy this information. So here are your points. यहाँ से हम गैर जरूरी इन्फॉर्मेशन को जो है रिमूव कर देंगे। अब हमें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने इस स्ट्रक्चर के लिए। सो व्हाट ब्रीफ एक्सप्लेनेशन व्हाट इमिडाजोल बेस्ड आयनिक लिक्विड्स आर, हमें सबसे पहले इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए चाहिए कि ये है क्या। सबसे पहले यहीं से ये चीज़ कॉपी करेंगे और हम ये वाला पोर्शन यहाँ पर लिख देंगे। सो दिस इज व्हाट इमिडाजोल बेस्ड आयनिक लिक्विड ग्रीन सॉल्वेंट दैट कंटेन इमिडाजोल रिंग एज अ कैटायन, आयनिक लिक्विड्स आर सॉल्ट दैट हैज रूम टेम्परेचर, द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ दिस दे हैव आल्सो गेन अटेंशन इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनोकैटालिसिस ड्यू टू देयर एबिलिटी टू ऑफर फ्यू पॉसिबल एप्लीकेबल स्ट्रक्चर वेरिएशन। सो दिस इज अ वेरी बेसिक स्ट्रक्चर, हम इसको ये कहते हैं गिव एक्सप्लेनेशन व्हाट इमिडाजोल बेस्ड आयनिक लिक्विड्स आर, latest literature. So here are the all the साइटेशंस व्यू सोर्सेज, जब हम करेंगे तो हमारे पास सारे इसकी सोर्सेज आ गए हैं जहाँ से उसने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है। हम चाहें तो इस इन्फॉर्मेशन को भी ले सकते हैं और हम चाहें तो इमिडाजोल बेस्ड आयनिक लिक्विड्स अल्फा केमिस्ट्री यहाँ पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर ब्रीफ इंट्रोडक्शन है और ये एक वेब पेज है, यहाँ पर कोई इसका यू कैन से कोई रिसर्च पेपर नहीं है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर कॉपीलॉट, ये भी एक फ्री AI टूल है, अभी तक ये फ्री है, बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं इसके अंदर और इस जैसा टूल अभी तक मार्केट में नहीं आया, तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कॉपीलॉट साइज स्पेस का ही एक्सटेंशन है जिसको आप यहाँ पर करेंगे तो कोई भी वेब पेज, कोई भी पेज जिससे आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं उस हवाले से डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पर डेवलप करके देगा कि इस यहाँ से आप किस तरह की इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं। लाइक ये इमिडाजोल बेस्ड आयनिक लिक्विड है, की टेकअवेज क्या है, पर्पज़ क्या है, बायसेस और लिमिटेशंस क्या है, एविडेंस क्या है, पॉइंट टू डिस्कस क्या है, हम इसके की टेकअवेज फॉर एग्जाम्पल लेना चाहते हैं क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। तो हमें चाहिए एक ऐसा इंट्रोडक्शन जो कि हमारी जो बेसिक इंट्रोडक्शन है अबाउट व्हाट आर द इमिडाजोल बेस्ड आयनिक लिक्विड्स उनके बारे में दे दे। तो इसको पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इमिडाजोल आर वर्सटाइल एंड हैव अ वेरियस एप्लीकेशन इंक्लूडिंग पोटेंशियल वाटर ट्रीटमेंट एजेंट्स, ग्रीन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड दिस इमिडाजोल हैव अगेन अटेंशन टू देयर ट्यूनेबल स्ट्रक्चर, थर्मल स्टेबल। तो ये थोड़ा सा एडवांस इन्फॉर्मेशन है, अच्छी इन्फॉर्मेशन है। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन प्ले विद द इन्फॉर्मेशन और आप यहाँ से ले सकते हैं। टाइप ऑफ आयनिक लिक्विड दैट कंटेन इमिडाजोल रिंग इन देयर सॉल्ट, देयर लिक्विड रूम टेम्परेचर, दिस इज क्वाइट बिट, आप क्वाइट बिट से स्टार्ट करेंगे एंड देन विल मूव फॉरवर्ड।
इस वो स्टाइल आने के लिए ये सारी चीज़ें उसने बड़े अच्छे से दी जो उसके अंदर थी, तो यूनिक कम्बिनेशन ऑफ, तो ये हम यहाँ से भी ले सकते हैं और हम जो है उस इन्फॉर्मेशन को भी ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ये इन्फॉर्मेशन देंगे और साथ हम क्या करेंगे इसको ये वाली इन्फॉर्मेशन देंगे, और हम इसको कह सकते हैं पर्पलेक्सिटी को कि बिल्ड अ कनेक्शन बिटवीन द अबव इन्फॉर्मेशन एंड री राइट इट इन एकेडमिक टोन एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इट्स अ टाइप ऑफ एनी को कंटेन एन एमिटर्स रिंग। यहाँ से आप एआई जो है उसको यहाँ से फिर आप इस इन्फॉर्मेशन को कॉपी करेंगे और उसमें से कुछ एआई डिटेक्शन जो है उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। एआई डिटेक्टर प्रो एक ऐसा टूल है जो कि आपको बहुत सारे फ्री अटेम्प्ट देता है। यहाँ से आप इसको कॉपी करेंगे और इसको एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इसके अंदर कुछ एआई जो है उसको डिटेक्ट करेगा। अब ये कह रहे हैं इसके अंदर 98% एआई है। यहाँ पर ये आपकी फाइल आ जाएगी, उसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओपन विद एआई रेजर आपके पास एक ऑप्शन आएगी, ये चीज़ आपके पास आ रही है। यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं और ये जो भी हाईलाइटेड एरियाज जहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं आप इनको, इसका मतलब है कि ये एआई डिटेक्शंस हैं इसके अंदर, ठीक है। ये आपको ये ऑप्शन देता है कि आप जब इन हाईलाइटेड एरिया को यहाँ पर क्लिक करने के बाद सजेस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको इसकी ऑल्टरनेट ह्यूमन राइटिंग में बहुत सारी सजेशंस आ जाएंगे। आप ह्यूमनली इसको बाय हैंड भी रिटर्न राइट कर सकते हैं, आप ये वाले फीचर्स भी इसके यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास इतनी ऑप्शंस हैं, इनमें से जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगती हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, इसका सजेशन मांगेंगे और इस तरह से हम अपनी जितना भी एआई डिटेक्शन है हमारे पास उस सारे को रिमूव करने के बाद दोबारा से इसकी प्लेजरिज्म यहीं पर चेक करेंगे। तो ये ना सिर्फ आपको प्लेजरिज्म चेक करके दे रहा है, उसके प्लेजरिज्म को रिमूव करके उसका एआई डिटेक्शन स्कोर जो है उसको भी ठीक कर रहा है। तो हम इसको रीस्कैन करेंगे तो विल सी कि हमारी 98% जो थी वो 26% में रह गई है। हम इसके और भी इसमें ह्यूमन राइटिंग थोड़ी सी करके इसको मैनुअली भी ठीक कर सकते हैं और यहाँ से हम मजीद इसकी सजेशंस जो हैं उनको भी ले सकते हैं। तो जब हम इसको करेंगे क्लिक और फिर इसको रीस्कैन करेंगे तो देन वी विल सी व्हाट हैपन, तो ये तकरीबन 5% रह गई है। इसका मतलब है कि अभी हमारा सारा कंटेंट जो है ये ह्यूमन रिटन कंटेंट में आ गया है। अब इस इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह जो भी इन्फॉर्मेशन आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको चाहिए वो आप यहाँ पर ले सकते हैं और इस तरह से इसको लिख सकते हैं। देन उसके बाद आप अपने पेपर को समराइज करवा सकते हैं बाय आस्किंग परप्लेक्सिटी। ये जो इन्फॉर्मेशन हमने उससे ली थी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन जिसमें उसने हमें डिफरेंट पेपर सर्च करके दिए थे अबाउट द लिटरेचर ऑफ द मिराजोल बेस्ड आयनिक लिक्विड्स और एप्लीकेशंस, और फिर हमने यहाँ पर जाकर उन पेपर्स को ओपन किया था। तो हम अपने अगले पार्ट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पर दोबारा से हम कॉपी डॉट के जरिए भी इस पूरे पेपर को एनालाइज कर सकते हैं और उसकी डिफरेंट फाइंडिंग्स जो हैं उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू जो है उसके लिए लिख सकते हैं। हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को इंट्रोडक्शन में डाल देंगे, इसी तरह एआई डिटेक्टर प्रो, और या अगर आपको लगता है एआई डिटेक्शन आ रही है तो आप थोड़ा सा उसको से अपने हाथ से राइट कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ह्यूमन एफर्ट जब तक आप नहीं करेंगे आपकी लर्निंग उस तरह से इंप्रूव नहीं होगी। यू कैन टेक आइडियाज एंड यू कैन वर्क ऑन देम एंड बाय यूजिंग ग्रामरली एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सैनोनिम ऑप्शंस, आप मुख्तलिफ सैनोनिम चेंज करके अपने उस डॉक्यूमेंट को ह्यूमन टच जो है वो दे सकते हैं। आपके पास बहुत सारा वर्क जो है एआई ने कर दिया, आपको सोर्स फाइंड करके दे दिए, आपको आउटलाइन डिजाइन करके दे दी, आपको उसने बहुत हद तक 70-80% आपका काम जो है उसने कर दिया। तो समराइज इंट्रोडक्शन फॉर एग्जाम्पल, अभी हम समझते हैं हमारा इंट्रोडक्शन थोड़ा है तो इसे यहाँ से इंट्रोडक्शन का पार्ट जो है उसको समराइज करके हम वहाँ पर ले जा सकते हैं। इसके अलावा ये आपको 12 मोर क्वेश्चंस जो हैं उनके ऑप्शंस भी दे रहा है। तो हम इंट्रोडक्शन पार्ट जो कर रहे हैं इसके अलावा हम लिटरेचर सर्वे उस पेपर को जो है उसको भी कर सकते हैं। जब ये हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट कर लेगा उसमें हम देखेंगे कि हमारा जो प्रीवियस इंट्रोडक्शन हमने लिखा है उसमें कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो मिसिंग थी और उसने हमें प्रोवाइड की, और थोड़ी एडवांस इन्फॉर्मेशन है जो हमारी स्टोरी को आगे लेके जा सकती है अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ मिराजोल आयनिक लिक्विड्स। मीन्स अगर उसने उन डिसिप्लिन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया कि मेजर आजकल कहाँ कहाँ काम हो रहा है, बायोमेडिकल में क्या काम हो रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम क्या हो रहा है, कैटालिसिस में इसने क्या क्या नया काम कर दिया है, तो हम उसको यहाँ पर जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि द लिमिटेड सप्लाई ऑफ फॉसिल बेस्ड फ्यूल्स एंड देयर नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट लेवल। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि ये जो है आयनिक लिक्विड्स हैव गेन पॉपुलरिटी एज ए प्री ट्रीटमेंट मेथड फॉर बायोमास हाइड्रोलिसिस ड्यू टू देयर एबिलिटी टू रिजॉल्व। तो ये एक लाइन यहाँ पेपर से हम फाइंड कर सकते हैं, तो ये इसके एक यूज को बड़ा अच्छे से इंडिकेट करेगी। साथ हमने इस पेपर का जो है वो रेफरेंस देना है। अब पेपर का रेफरेंस आपने क्या देना होता है उसमें, ये इन्फॉर्मेशन जब आप यूज कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन जो इंट्रोडक्शन पार्ट में उसने लिया है उसने कहाँ से लिया है। तो अगर
उसके सोर्स को जो उसके रेफरेंसेस में है हम वहाँ से उसको फाइंड आउट करेंगे, हम यहाँ पर नहीं जाएंगे और ये इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। इस बंदे की इन्फॉर्मेशन, इस पेपर का रेफरेंस हम वहाँ पर पुट करेंगे जब इसका अपना काम जो है, जो इसने अपने कंक्लूजन में या रिसर्च एंड डिस्कशन में डिस्कस किया है, अगर वहाँ से कोई पार्ट लेते हैं तो वो यहाँ पर हम इस पेपर का रेफरेंस जो है वो ये कोट करेंगे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं बहुत ज़्यादा रिसीव करती हूँ कि रेफरेंस आपने किस तरह से पुट करने हैं। और इसी तरह हम इसके लिटरेचर सर्वे का पार्ट जो है उसकी फाइंडिंग्स ले सकते हैं और 2 से 3 लाइन यहाँ से लेके उनको हेमन राइट करके वहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपको सारे पेपर को पढ़ने की, एक एक लाइन को गो थ्रू होने की जरूरत नहीं है। तो आप वो काम जो महीने में कर सकते हैं, मेरा ख्याल है अगर आप लग के करें तो 3 से 4 दिन में, 1 हफ्ते में बड़ा अच्छा अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज फ्री टूल्स। तो ये आपके पास जो है लिटरेचर सर्वे आ गया, WP बायोमास इज लो इन लेग्निन कंटेंट, हाई इन सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज मेकिंग इट सुटेबल फॉर कन्वर्जन लिगो। तो यहाँ पर जब आप लिटरेचर कर रहे होंगे, जब आप बता रहे होंगे कि ये इंपॉर्टेंट कितना है और मैं किस साइड पे काम करने जा रहा हूँ, तो फिर उन स्पेसिफिक पेपर्स का आप पुराना लिटरेचर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने मेडाजिल बेस्ड आयनिक लिक्विड को सेलुलोज की डिजर्वेशन के लिए चेक करना है, तो फिर आप स्पेसिफाई हो जाएंगे और परप्लेक्सिटी से कहेंगे कि आप मुझे मेडाजिल बेस्ड आयनिक लिक्विड का जो सेलुलर डिजोल्यूशन पे काम है लेटेस्ट वो प्रोवाइड दो। अब उन पेपर के अंदर जितना भी डाटा होगा उसको आप अपने लिटरेचर में डालेंगे, ठीक है। और लिटरेचर में डालने के बाद आप अपनी एक प्रपोज रिसर्च मेथोडोलॉजी जो इन पेपर्स ने की भी होगी, आप एक प्रपोज रिसर्च मेथोडोलॉजी अपने लैब इक्विपमेंट के हिसाब से कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है वहाँ से देंगे। जो आपने लिटरेचर रिव्यू लिखा है और अगर आपकी जो रिजल्ट एंड डिस्कशन हैं उनको आप समराइज करवा के इन टूल्स के जरिए एक कंक्लूजन पोर्शन जो है उसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आई ट्राई टू मेक इट एज कम्प्रीहेंसिव एज पॉसिबल जितना एक वीडियो में कवर हो सकता है। अगर इस हमारे से आपके मजीद क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज परप्लेक्सिटी टू जनरेट द आउटलाइन ऑफ योर लिटरेचर। फिर आप परप्लेक्सिटी से लेटेस्ट जो लिटरेचर है वो डिमांड कर सकते हैं, उसको ब्रेक कर सकते हैं बाय कॉपीलॉट के जरिए, बाय यूजिंग परप्लेक्सिटी डिफरेंट प्रॉम्प्ट यूज करके उसको मुख्तलिफ तरीकों से कह के कि इस पेपर को समराइज करो, इस पेपर की फाइंडिंग्स दो, इस पेपर में स्पेसिफिकली काम क्या हुआ, किस खास टॉपिक के हवाले से उसको बताओ, तो आपके स्पेसिफिक क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। फिर उनके बाद AI डिटेक्टर प्रो पे जाके आप इसको ह्यूमनाइज टच दे सकते हैं और गूगल डॉक्स की मदद से अपने डॉक्यूमेंट को जो है वो वेल शेप कर सकते हैं और अपने डाटा को अरेंज कर सकते हैं। इसको आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम पे आपने जीमेल से लॉगिन करके गूगल डॉक्स को ओपन कर सकते हैं। तो आपके पास आपके सिस्टम में होना ज़रूरी नहीं है इस डॉक्यूमेंट का और किसी फाइल फोल्डर के अंदर। और दूसरा ये कि यहाँ पर गूगल डॉक्स को यूज़ करना सीखें, यहाँ से आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सेव रहते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, फ्रूटफुल लगी हो, तो उसको दूसरों तक जरूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम्स को जरूर मेंशन करते रहा करें। आई ट्राई टू सॉल्व दैम थ्रू माई कॉन्टेंट, थ्रू रिप्लाइंग ऑन योर कॉमेंट्स, क्योंकि इससे मुझे खुशी मिलती है कि आई एम हेल्पिंग यू और मेरी वजह से आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।